एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरधर अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए लाया हूं। किस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर हमारा वाक्य एसर्टिव है तो उसकी पैसिव भी एसर्टिव बनती है, नेगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पैसिव नेगेटिव बनती है, और इसी प्रकार से प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव प्रश्नवाचक में बनती है। तो जैसा वाक्य होगा उसी के अनुसार उसकी पैसिव बन जाएगी। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, तो पैसिव बनाते समय हम उस हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को मेरा बिंदु मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। जिस प्रकार से मैं लिखता हूं समझने का प्रयास करना, और आगे देखिए, जैसे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हमको कुछ नहीं करना, ये जो स्ट्रक्चर है ये वही रहेगा, केवल जो परिवर्तन हम करते आ रहे हैं वही होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट को क्या रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, जो अपन पहले करते थे वही हो रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बी थ्री, सब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये प्लेस और टाइम्स जो आते हैं वो अदर्स में होता है। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बी थ्री, सब्जेक्ट, अदर्स। अब किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, डिड यू ईट, डिड यू ईट फूड, क्या हो गया हमारा, डिड यू ईट फूड। तो क्या होता है, डिड यू ईट फूड, कौन से टेंस का वाक्य है, यहां पर देखिए डिड हमारा दिया है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज अथवा वर का यूज करते हैं, तो डिड को यहां पर बदल लेंगे वाज, वाज फूड, फिर ईटन, वाज फूड ईटन बाय यू, ये इसकी पैसिव बनी। तो वाज फूड ईटन बाय यू, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब को हमने कहा रखा सब्जेक्ट से पहले, तो पैसिव जब बनाई तो हमने उस हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रख दिया। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड ये दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड ऐसे कैसे वाक्य में आता है तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने लिख दिया, वेन डज कविता, वेन डज कविता टेक मिल्क,
When does पहला वाक्य आपका did you eat food? इसकी पैसिव बनी was food eaten by you? दूसरा वाक्य When does कविता टेक मिल्क? तो देखो जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे के ऐसे हम क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो when को क्या करेंगे, सेम ऐसे उतार देंगे when। अब does आ रहा है यहाँ पर, does कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमें पता है सहायक क्रिया इज एम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इस दृष्टि से ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज का यूज करेंगे। तो व्हेन इज ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मिल्क। व्हेन इज मिल्क, अब ऑब्जेक्ट हो गया वी थ्री टेक, टेक के थर्ड फॉर्म टेकन। व्हेन इज मिल्क टेकन बाय कविता, इस प्रकार से पैसिव बन गए। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा था तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रख दिया। रही बात क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता है, उस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे के ऐसे हम उतार देते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रश्न हु से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है बताइए, हु से। अगर ये प्रश्न हु से प्रारंभ होता है तो हु को हम शुरू शुरू में क्या करते हैं, बाय होम में चेंज करते हैं। बस इतना सा है, बाकी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हु किस प्रकार से उसे प्रश्न बनते हैं, ये थर्ड नंबर का लिख दिया, हु रॉट दिस लेटर, हु रॉट दिस लेटर यस्टरडे, हु रॉट दिस लेटर यस्टरडे। इसकी पैसिव क्या बनेगी बताइए, हु आ रहा है। तो जैसे हमने यहां पर आपने देखा हमने वेन को वेन ही उतारा, अगर वेयर होता तो उसको वेयर ही उतारते, लेकिन यहां पर हु दिया हुआ है तो हु को हम बाई हुम में चेंज करते। तो यहां शुरू शुरू में हु को क्या कर देंगे, बाई हुम। अब यहां देखिए कौन से टेंस का वाक्य है, रोट। रोट कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट। तो वाज वर्ब का यूज करते हैं, तो बाय हुम वाज, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस लेटर, थर्ड फॉर्म इसकी आती है रिटर्न। अब क्या बचा है, सब्जेक्ट को यहीं पर ऑब्जेक्ट बना दिया, रिटर्न यस्टरडे, तो यस्टरडे का हम यहां पर यस्टरडे उतार देंगे। तो वही नियम है, अगर उसे प्रारंभ होता है तो उसे बाई हुम से प्रारंभ करते हैं, अन्य क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे सेम ऐसे उतार देते हैं, और सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया तो लगाते हैं। अब इसमें जिस प्रकार से नेगेटिव में नॉट का यूज हम प्रथम शब्द के बाद करते हैं, उसी प्रकार से जब हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं तो प्रथम शब्द को निकालते हैं और शेष वही रहते हैं। तो ये बात आपने उतार ले होंगे। अब मैं आपको इसके रूल्स लिखवाने जा रहा हूं, सभी अपनी कॉपी खोलेंगे और रूल्स लिखेंगे किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसे में बदलते हैं। रूल्स, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। बताओ क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। यदि C
सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को पैसिव बनाते समय, क्वेश्चन वर्ड को पैसिव बनाते समय चौका क्या उतार देते हैं, बनाते समय जौका क्यों लिखते हैं, जौका क्यों रखते, जैसे क्वेश्चन वर्ड को ऐसे क्या उतार देते हैं। तीसरा, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि यदि प्रश्न हमारा हु से प्रारंभ है तो पैसिव बनाते समय उस हु को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखते हैं बताइए, ऑब्जेक्ट से पहले। तो वही यदि हेल्पिंग वर्ब, चौथा लिखो, यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों में हो तो पैसिव बनाते समय तो पैसिव बनाते समय प्रथम शब्द को ही सब्जेक्ट से पहले, प्रथम शब्द को ही ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं, शेष शब्दों को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, शेष शब्दों को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ये चार इसके रूल से, पहला दिया है हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में है तो प्रथम शब्द को ऑब्जेक्ट के पहले रखेंगे और शेष शब्दों को ऑब्जेक्ट के बाद। यदि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ऐसे कैसे उतार देंगे, लेकिन यदि हमारा प्रश्न हु से प्रारंभ होता है तो पैसिव बनाते समय उसे बाय हुम से प्रारंभ करते हैं, बाय हुम से क्या करते हैं उसे प्रारंभ कर। अब कुछ एग्जांपल मैं इन रूल्स के आधार पर आपको बता रहा हूं, आशा करता हूं सभी ने इन रूल्स को उतार लिया होगा। देखिए सबसे पहले हु वाला आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, Who will answer this question? Who will answer this question? तो who से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा who को किस में चेंज करेंगे। सबसे पहले काम by whom, यही पर शुरू कर देते हैं, by whom। अब will दे रखा है, will को किस में चेंज करते हैं, will को will be, यानी future indefinite tense, और future indefinite में सहायक क्रिया will be
पैसिव में विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। तो विल तो रहेगा पहले, फिर सब्जेक्ट तो दो शब्द में है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिस क्वेश्चन, तो बाई होम दिस क्वेश्चन बी आंसर, तो बाई होम दे विल दिस क्वेश्चन बी आंसर हो गया। अब जैसे लिख दिया हैव यू डेकोरेटेड द रूम, हैव यू डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या करेंगे, हैव यू डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली सहायक क्रिया से, तो सहायक क्रिया को वही रखते हैं, हैज हैव का जब यूज किया जाता है तो पैसिव बनाते समय हम बीन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बीन, हैज बीन हैव बीन, तो यहां पर यू के साथ हैव आ रहा है, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट क्या है द रूम, इसको यहां पर लाएंगे तो अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो रूम के आधार पर लगेगी, ये सिंगुलर है इसे सिंगुलर में हम हैज का यूज करते हैं, तो यहां पर हैव इसमें चेंज हो गया, हैज हैज द रूम और बीन लगा दीजिए, हैज द रूम बीन डेकोरेटेड बाय यू ब्यूटीफुली, तो हैज द रूम बीन डेकोरेटेड बाय यू ब्यूटीफुली, इस प्रकार से पैसिव बन गई है। क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को ऐसे कैसे लगा देते हैं, लिख लेते हैं एग्जांपल, पहला हो गया, दूसरा और तीसरा एग्जांपल और बता रहा हूं, वेयर 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 आर द, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, तो वेयर को क्या होता है, वेयर क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहां पर आर किसमें हो जाए इज में चेंज हो गया, वेयर इज क्रिकेट आईएनजी आ रहा, आईएनजी जुड़ रहा है तो क्रिया में बी जोड़ेंगे, बी में जुड़ जाता है बींग, जब मुख्य क्रिया में आईएनजी होता है तो पैसिव बनाते समय वह आईएनजी बी में जुड़कर बींग हो जाता है, तो वेयर इज क्रिकेट बींग, अब प्ले का क्या हो गया प्लेड बाय द चिल्ड्रन, तो वेयर इज क्रिकेट बींग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, यानी क्रिकेट बच्चों के द्वारा कहां खेली जा रही है, ये हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंस पूरा हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इसी प्रकार से पैसिव में बदलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।